सो so, अगर ये हमारा प्लेन सरफेस है सो so यहाँ पे ये नॉर्मल है लेट्स सपोज यहाँ पे हमारी क्या बोलते हैं साउंड गई और ये रिफ्लेक्टेड साउंड है तो ये एंगल इक्वल होता है इस एंगल के ठीक है ये पहली चीज होगी ऑल्सो द इंसिडेंट साउंड वेव वेव द द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्सिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन सो ये तीनों ही सेम प्लेन में लाए गए यही हमारे लॉज ऑफ जो लाइट के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हैं यही हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सेज व्हेन अ साउंड इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड इको इज प्रोड्यूज लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेंस द सेम डू यू हीयर इको साउंड ऑन अ हॉट डे अब इसमें हमें क्या बताया क्या पूछा गया है देखो अब वो कह रहे हैं ना साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड इको इज इको प्रोड्यूस हो रही है लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड जो रिफ्लेक्ट कर रहा है और जो सोर्स ऑफ साउंड है उनके बीच का डिस्टेंस हम कह रहे हैं सेम है डू यू हियर एको साउंड ऑन अ डे ठीक है चलो यहाँ पे अब इसको एक्सप्लेन करते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है द स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेज ऐसा क्यों होता है जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो स्पीड ऑफ साउंड क्यों इंक्रीज होती है क्योंकि पार्टिकल्स पास पास हो जाते हैं एंड साउंड की स्पीड बढ़ जाती है हेंस द Speed of sound on a hotter day is more. We know that echo occurs when time difference between original sound and reflected sound is at least 0.1 second. So ये हमें पता है कि at least पॉइंट वन सेकेंड इतना होगा तभी हमारा echo प्रोड्यूस होता है जब मैंने एको वाला टॉपिक किया था वहाँ समझा था और हमें पता है टाइम का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड देयर फोर फॉर सेम डिस्टेंस इफ स्पीड इज हायर टाइम टेकन वुड बी लेस तो यहाँ पे हमें पता है ना भाई टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो अगर स्पीड हमारी ज़्यादा है तो टाइम अपने आप कम देखो सिंपल से अगर यहाँ पे कोई आप ज्यादा चीज डालोगे तो रिजल्ट अपने आप ही कम हो जाएगा सो टाइम टेकन वुड बी लेस दस इफ द टाइम वुड बी लेस देन जीरो पॉइंट वन सेकेंड देन दो वट बी हर्ट सो अगर जो हमारा टाइम है वो जीरो पॉइंट वन सेकेंड से कम आ जाएगा तो साउंड इको हर्ट नहीं होगा हमारा इफ द टाइम वुड बी मोर देन और इक्वल टू जीरो प्रोड्यूस हुई है वो सुनाई देगी द कैन बी हर्ड ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हमारे पास गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सो जो साउंड वेव हमारी रिफ्लेक्ट करते हैं उसके क्या दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वे पहला सीलिंग्स ऑफ सिनेमा हॉल आर कर्व जो सिनेमा हॉल की सीलिंग्स होती है उनको कर्व रखा जाता है कि साउंड जब रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो हर तरफ कोने कोने तक वो आवाज़ पहुंचे सो दिस इज टू इंश्योर दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीच ऑल पार्ट ऑफ द हॉल देन है स्टेथोस्कोप इट इज यूज बाय डॉक्टर्स टू मेजर हार्ट बीट डॉक्टर इज एबल टू हीयर साउंड ड्यू टू ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन द स्टेटोस्पोस तो हमारा जो स्टेथोस्कोप है वो इस तरीके से बना हुआ कि उसमें साउंड रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट करने के बाद उनको क्लियरली इतनी बार वो रिफ्लेक्ट करके आते हैं कि वो क्लियरली हार्ट बीट को सुन पाती है नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर

एंड देन जब साउंड प्रोड्यूस उसी साउंड को ऊपर पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा ना सो so, ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है पहले अगर हमें निकालना है कितना टाइम लगा स्टोन को यहां तक पहुंचने में तो उसके लिए हम अपने मोशन चैप्टर का एक लॉ यूज करने वाले हैं फॉर्मूला यूज करने वाले हैं विच वॉज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर रिमेंबर ये हमने करे थे फॉर्मूलाज सो so, वो यहाँ यूज करेंगे अब देखो हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें हैं एस मतलब कितना डिस्टेंस 500 हंड्रेड so, सो ये गिवन है सो so, ये लिख लिया हमने 500 हंड्रेड इक्वल्स टू यू होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी तो जब आप स्टोन को यहाँ से फेंक रहे हो तो स्टोन उस टाइम पे रेस्ट पोजीशन पे था मतलब यू इक्वल्स टू जीरो है हमारा सो so, ये हो जाएगा जीरो t हमें निकालना है प्लस हाफ जी हमें कितना बोला है 10 लेना है, कितना है निकालना है कितना निकालना हमें तो तो so, ये हो 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 गया जी 500 तो पूरा ही हो जाएगा जाएगा पे इससे ंड्रेड अपॉन में फाइव इक्वल्स टू टी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे ये आ गया हंड्रेड तो टी स्क्वायर मेरा हो जाएगा हंड्रेड टी इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट में हंड्रेड विच इज इक्वल्स टू सो इक्वल्स टू अब ये ये आंसर नहीं है है अभी हमने बस देखा है कि स्टोन तक पहुंचने में उसको दस सेकेंड लगे अब साउंड प्रोड्यूस हुआ वो साउंड ऊपर तक ट्रेवल करेगा उसमें कितना टाइम लगेगा सो so, इसमें हम पहले तो कलर चेंज करते हैं दूसरा जो अपना टाइम निकाल रहे हैं वो देख रहे हैं साउंड को ट्रेवल करने में सो so, हमें पता है टाइम का नॉर्मल फॉर्मूला हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड सो इस केस में डिस्टेंस अगेन उसको ऊपर आने में भी 500 मीटर कवर करनी है एंड स्पीड कितनी है साउंड की थ्री फोर्टी सो अपॉन में थ्री फोर्टी जीरो से जीरो कैंसिल हो गया इसको कट करते हैं के uh, टेबल से पहले कट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा ट्वेंटी फाइव एंड ये आ गया हमारे पास सेवेंटीन फर्दर तो कट नहीं होगा डिवाइड कर लेते हैं इधर चलते हैं सेवनटीन को डिवाइड करना है हमें ट्वेंटी फाइव से सो ये हो जाएगा एट्टी सेवन टू फोर हमारे टेन so में से ये आ गया टू यहाँ पे बचा हमारे पास ट्वेल्व आ गया पॉइंट लगा हुआ है वन ट्वेंटी अब वन ट्वेंटी से छोटा सेवन से कर देंगे वन वन नाइन आ जाएगा दो डिजिट तक काफी है हमारे पास आ गया वन पॉइंट फोर सेवन सेकेंड अब देखो जरा पॉन्ड मतलब जब आपने स्टोन को फेंका तो उसको 10 सेकेंड लगे और साउंड को ऊपर आने में 1.47 पॉइंट फोर सेवन सेकेंड लगे सो टोटल टाइम जो हमारा लगा जो स्प्लैश हमें सुनने में टाइम लगा दैट इज 10 प्लस वन पॉइंट फोर सेवन विच इज इलेवन पॉइंट फोर सेवन सो इलेवन पॉइंट फोर सेवन सेकेंड बाद हमें साउंड की जो स्प्लैश की आवाज़ है वो सुनाई देगी, ठीक है आई होप दिस इज क्लियर थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से समझ लेना और प्रैक्टिस कर लेना ठीक है सो दिसन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर मीटर पर सेकेंड इफ इट्समीटर वॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल इट बी ऑडिबल सो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है सो वेव लेंथ और स्पीड है हमारे पास सो वी कैन से फ्रीक्वेंसी हमारी होती है स्पीड अपॉन में वेव ठीक है ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे बट बिफोर दैट वेव हमें 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है सो 1.5 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में सो so, हमें पता है वन मीटर हमारा होता है हंड्रेड सेंटीमीटर विच मींस वन वन सेंटीमीटर है भाई वन सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा वन अपॉन हंड्रेड मीटर और अगर वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो वो जाएगा वन पॉइंट फाइव अपॉन में हंड्रेड डेसिमल हटाएंगे नीचे जीरो आ जाएगा अब देखो ज़रा नीचे एक दो तीन जीरो हो गए तो मतलब जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव मीटर्स ठीक है तो जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव मीटर आ गया अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं स्पीड हमें दे रखी है थ्री थ्री नाइन अपॉन में वेव लेंथ आ गई जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव डेसीमल हटाएंगे एक दो तीन सो मतलब ऊपर हमारे पास आ जाएंगी तीन जीरो सो एक दो तीन अपॉन में फिफ्टीन ठीक है अब इसको डिवाइड करेंगे सो so फिफ्टीन को डिवाइड करना है हमें थ्री थ्री नाइन जीरो से ले लेते हैं बाकी आगे जो भी आएगा उसमें दो जीरो लगा लेंगे ठीक है चलो इसको करते हैं फिफ्टीन टू जॉ ये आ गया थर्टी ये आ जाएगा नाइन सो ये नीचे आ गया थ्री अगेन टू से करेंगे ये आ जाएगा थर्टी अगेन जीरो आ गया नाइन्टी आ गया सो इसको सिक्स से करेंगे नाइन्टी आ जाएगा ये हो गया जीरो सो हमारे पास आ गया टू टू सिक्स और साथ में दो जीरो सो ये है हर्ट अच्छा क्लास में क्या पूछा था विल इट बी ऑडिबल अब ऑडिबल हमारी रेंज क्या होती है ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी हर्ट so, है ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट और ये ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा है मतलब इट विल नॉट बी ऑडिबल ठीक है इट विल नॉट बी ऑडिबल ये ऑडिबल नहीं होगी बिकॉज ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट से ज्यादा है जो कि हमारी हियरिंग रेंज से ऊपर है सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो जो भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंड अगर आपको वीडियो ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे प्ले आ रही होगी उस पर क्लिक कर सकते हो प्ले विजिट कर सकते हो वहां लाइन वाइज आपको सारी चैप्टर के नोट्स और जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो मिल जाएंगे ना विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो